टॉप 10 देश और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टेक्नोलॉजीज जो हेड ऑन ट्रेन कलिजन से बचने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सिंस 1964 से जापान में ट्रेन सेफ्टी के लिए कुछ प्रमुख टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती है। इसमें ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल ATC, एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम्स और डेडिकेटेड शिनकानसन हाई स्पीड रेल लाइंस शामिल है। ये टेक्नोलॉजीज ट्रेन मिसहैप्स को कम करने और पैसेंजर्स और स्टाफ की सेफ्टी का ध्यान रखती है। सिंस 2006 से जर्मनी एक हाईली एफिशिएंट और सिक्योर रेलवे नेटवर्क के साथ रिलाय कर है। इसमें यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम ETCS और पॉजिटिव ट्रेन कंट्रोल PTC जैसे टेक्नोलॉजीज का उपयोग एक्सीडेंट्स को रोकने और ओवरऑल सेफ्टी को सुधारने के लिए होता है। सिंस 2003 से यूनाइटेड किंगडम रेलवे सेफ्टी को महत्व देती है और एडवांस ट्रेन प्रोटेक्शन और वार्निंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करती है। इसमें ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम TPWS शामिल है। UK ने यूरोपियन रेल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ERTMS भी लागू किया है, जिससे कंट्रोल और सेफ्टी को नेटवर्क में बढ़ाया जा सकता है। सिंस 1989 फ्रांस ने रेलवे सेफ्टी टेक्नोलॉजीज में ह्यूज इन्वेस्टमेंट किए हैं। ये यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम ETCS और ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP सिस्टम्स का यूज करती है, जिससे सेफ्टी और मिसहैप से बचाव होता है। इसके अलावा ऑब्स्टिकल डिटेक्शन सिस्टम्स और इंफ्रारेड कैमरास जैसे नए समाधान भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंस 2011 से चीना एक दुनिया में सबसे बड़े और तेजी से विस्तार कर रहे रेलवे नेटवर्क्स का इस्तेमाल करती है। इसके लिए ऑटोमेटेड ट्रेन ऑपरेशन ATO, एडवांस ट्रेन कंट्रोल सिस्टम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से इक्विप्ड इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम्स का उपयोग होता है। ये रियल टाइम एनालिसिस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। सिंस 2004 से स्पेन ने रेलवे सेफ्टी में बड़ी तरक्की की है। इसने ETCS लेवल 2 सिस्टम्स को लागू किया है, जो कंटिन्यूस ट्रेन मॉनिटरिंग और ऑटोमेटिक स्पीड रेगुलेशन प्रदान करते हैं और अपने मेट्रो नेटवर्क्स में एडवांस कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल CBTC सिस्टम्स भी लागू किए हैं। सिंस 1995 से स्वीडन रेलवे सेफ्टी पर बहुत जोर देती है और इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज का उपयोग करती है। इसमें ETCS और ATP सिस्टम्स ट्रेन मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं और ट्रेन्स के बीच सेफ दूरी बनाए रखते हैं। स्वीडन ने आपदों से बचाव के लिए ऑटोमेटेड ऑब्स्टिकल डिटेक्शन और वार्निंग सिस्टम्स भी लागू किए हैं। सिंस 2009 से साउथ कोरिया रेलवे सेफ्टी मेजर्स में एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करती है, जैसे कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल CBTC सिस्टम। इससे ट्रेन्स के मूवमेंट्स को सही बनाया जाता है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज किया जाता है। देश में ऑब्स्टिकल डिटेक्शन सिस्टम्स और एंटी कलिजन टेक्नोलॉजीज भी इस्तेमाल होते हैं। सिंस 2014 से ऑस्ट्रेलिया ने रेलवे सेफ्टी को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें ऑस्ट्रेलियन एडवांस ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम ATMS और एडवांस ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम ATPS जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है। इससे ट्रेन मूवमेंट्स को मॉनिटर किया जाता है और एक्सीडेंट से बचाया जाता है। सिंस 2016 से कनाडा रेलवे सेफ्टी पर बहुत इम्पोर्टेंस देती है और इसके लिए पॉजिटिव ट्रेन कंट्रोल PTC सिस्टम का इस्तेमाल करती है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रेन मूवमेंट्स की कंट्रोल को अनेबल करता है। देश ने ऑटोमेटेड वार्निंग सिस्टम्स और कॉम्प्रिहेंसिव इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल्स भी अपनाए हैं। इन देशों ने अपने एडवांस टेक्नोलॉजीज के द्वारा रेलवे सेफ्टी को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये टेक्नोलॉजीज एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम्स से लेकर ऑटोमेटेड ट्रेन कंट्रोल और ऑब्स्टिकल डिटेक्शन तक शामिल है।